की हवा निकली हुई है और हमने ट्राई भी करा हवा वगैरह भरवाने की, हवा भरवा ही पता लगा पंचर है। अब ये देख लो मार्केट का हाल आप लोग, रात के 3 बज रहे हैं, अब यहाँ से कैसे निकलें, अब क्या करें। रात मिल गई, रात मिल गई। आकाश यादव, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे लड़के जो रेडी हो रहे थे उनमें से एक ये बैठा है, इसका तो खेलना फिलहाल हो गया कैंसल, भाई ने कोई तैयारी नहीं करी, वो डोला ही दिखाता रहे साल तो एक की रेडी, मतलब एक हफ्ते में जितनी प्रिपरेशन करा पाया उतनी करा दिए, तो अब उसकी जो फिलहाल करंट कंडीशन है वो अभी दिखाते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा वेन्यू पे। बहुत बढ़िया, तो भाइयों प्लीज अभी फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट के लिए बीच में रुके हैं, यहाँ से अभी हमारी लोकेशन कम से कम 40 किलोमीटर दूर है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा थक गए पाड़े भी जवाब दे गए गाड़ी चलाते चलाते, उतार ले सर ढोटे डाटते को। ये रहे हमारे एथलीट, पानी की बोतल बेचारे ने हाथ में ले रखी है पर पी नहीं सकते। देखो इसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग का दूसरा नाम त्याग है। बेचारा पानी हाथ में लेके खड़ा पर पी नहीं सकता, पिछले 2 दिन से बंदे ने पानी पिया नहीं ना, हमें तो बिल्कुल परेशान हो गए थे देख देख के। हाँ तो ये पीछे लौटने वाले टॉयलेट कर करके आ रहे हैं। बाकी यहाँ 40 किलोमीटर रह गया, बस वहाँ पहुँचते हैं फिर बाकी प्रक्रिया वहीं चलाते हैं। अब तुम ये देख लो यार बॉडी बिल्डिंग इतनी आसान नहीं होती, लड़कों को लगती है कि बहुत आसान है, जाओ जिम में 4 डंपल मारो हल्की सी मांस चमकने लग गए ना खेल है, कुछ नहीं खा सकता हूँ। खा ले वो एक काम कर, चाहे तो थोड़ा सा वो काब लोड कर ले हल्के, काब लोड नहीं काब लोड वैसे पानी जो वैसा होता है ना जैसे खीरे वगैरह टमाटर वो पीने का, पानी पिला देंगे टेंशन में, पानी पिला सकते हैं हमारे आदमी। चलो फिर यार मैं इसको थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी पिलवा दूँ और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीधा लोकेशन पर मिल के, वो लोकेशन पहुँच के फिर वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। क्या बाथरूम अगर हो रहा है वेइंग टाइम, वहीं कराएंगे अब। वहींग हो रही है भाई, कितना आता पेट? 63 है। कौन सी गाड़ी रही है? तो भाई फिलहाल हो गई है भाई की 143 आई लव यू मिस यू बैक तो हमारा रिंग हो चुकी है भाई 143 65 किलो का था और कितना 65 था, 2 किलो वजन इसका 2 दिन में कम किया टॉयलेट करा करा के। बाकी अब बैठते रहे, लोकेशन ही जहाँ कंपटीशन हो रहा है मतलब अच्छा है बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे रिंग वगैरह चल रही है, हो गई है रिंग वगैरह, आप जो बचा उचा काब लोड वगैरह होगा वो काब लोडिंग रिंग वगैरह हो चुकी है भाई, काब लोड का टाइम है, ड्राई काब्स लोड करवाने हैं। तो फिलहाल
पॉपकॉर्न दे रखे हैं इसे, बाकी राइस एंड चिकन वगैरह इसका लोड करवाना शुरू करेंगे। और पलटन बैठी है, वो लगे पड़े हैं बेचारे, इतना थका हुआ है कि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, कुछ होना हो लैला बहुत ज़रूरी है, तभी नहीं खेल पाया वाला कॉम्पिटिशन है, वरना खेलता क्या कर। लैला ज़रूरी है, इसके लिए इसका पबजी ज़रूरी है, और इसके लिए इसका पबजी ज़रूरी है। ये हमारा पावर लिफ्टर है, अपकमिंग पावर लिफ्टर है बंदा। बात करते हो फिलहाल घर में, तो कुछ इंटरव्यू में बताओ, मतलब कैसा फील आता है भाई, मतलब जो बंदे नए देख रहे हैं जो खेलना चाहते हैं उनके उन्हें बताओ, मतलब जो अभी खेलना चाह रहे हैं मतलब क्या कैसा होता है। बहुत ही देख लो कि मैंने कल 7 बजे पानी नहीं पिया, और इसे खाली चावल उबला हुआ चिकन अब नमक डाल के भी अब खिलाया, ताकि थोड़ा सोडियम जाए तो वेंस वगैरह थोड़ी बाहर चमक के निकले। पानी की बोतल मिलेगी ना, ये पूरी भी जाएगा, पर ये पानी की पूरी बोतल भी है ना, तो ये गुब्बारा बन जाएगा, क्योंकि 2 दिन से इसने पानी पिया नहीं है। तो ऐसा होता है जब हम पानी वगैरह नमक वगैरह छोड़ दो तो ऐसा होता है कि ब्लोटिंग हो जाती है। अब ब्लोटिंग से क्या होता है कि एब्स वगैरह सब गायब हो जाएंगे, बहुत हालत ख़राब रहती है। और मतलब यार देख बात ऐसी है कि बॉडी बिल्डिंग लगती बहुत आसान है, कि मतलब कुछ नहीं है, बहुत ईजी लगती है और बहुत मेहनत का काम है। खाना पीना यार सब बंद करना पड़ता है, मेहनत। और ये तो हम ये कह लें कि 7 दिन की तैयारी, मतलब तैयारी तो कुछ नहीं है, देखते हैं हम आए एज अ प्रैक्टिस गेम खेलने, क्योंकि मेन कॉन्टेस्ट जो हमारा होना है वो है जनवरी को, तो उसके लिए बस ये है कि एक प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टेज शेयर हो जाएगा, तो थोड़ा कंपैरिजन मिल जाएगा हमें बंदे का कि क्या वीकनेस अभी बॉडी में बच रही है और क्या नहीं, तो उसके ऊपर काम करने को मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, आज इस बारी आप इसकी बॉडी देख लेना, ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्टेस्ट जब खिलाऊँगा तब इसकी बॉडी देख लेना, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाऊंगा, ठीक है। एथलीट ये भी दिया है पर इसे किसी कारणवश नहीं खिलाया गया, कहा ना लैला ज़रूरी है, तो उस चक्कर में भाई नहीं खेल पाया। लैला ज़रूरी है, अच्छा बता तू खेला खेल क्यों नहीं पाया, क्यों नहीं खेला, तैयारी हो रही है। ये डोला दिखा पूरा दिखा, डबल वाला फोन रख के, अच्छा लैला ज़रूरी है क्या, हाँ ये बेचारा दिखा दिखा दोबारा दिखा, अगर मतलब खिला सकते हैं बेचारा, क्या ये इसका मतलब ये है, कहना चाहता मैं खेल सकता हूँ पर मैं खेलूँगा नहीं। तो फाइनली वार्म अप टाइम, एथलीट रेडी होने का टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे, लगभग 11 बजे। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन अपने इंडिया के लिए क्या है, वो अभी अपना रिजर्वेशन बंगलौर के लिए करा ले। बढ़िया हीरो के सबसे प्रोग्राम के बारे में जो भाग लेना है वो अरे रहन दो, लगा लो यार, यही लगा लो, चलो लगाते रहो। भाई रेडी हो चुके हैं, अभी भाई आने वाला, डबलत हो गई है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल रेडी है फ्रंट डबल भाई सर, टाइम बेहतरीन। तो भाई रेडी है, पूरी मेहनत ऐसा हुआ कि कैटेगरी 60 से 65 थी, कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुआ, सब चल रहा है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि 65-70 में डाल दो, नेक्स्ट में बुला लो, अब 65-70 में खेल लेगा 63 किलो का बंदा, जबकि यार खिलवाना होता हम भड़वा खिलवा लेते। चलो जो भी होगा, अब नेक्स्ट वाले ही कैटेगरी में खेलेगा भाई, तो कल से जाएगा तो मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कलर कह रहा हूँ, पर भाई की फिर भी कलरिंग वगैरह हो गई टैनिंग की वजह से। चलो मिलते हैं, बाकी मिलते हैं चारों तक है। ये हमारे 65-70 किलोग्राम के बॉडी बिल्डर जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न जनपदों से आए, इनका जोरदार ताली से स्वागत तो कीजिए। नूरपुर की जनता हमने सुना बहुत
स्वागत करती है अपने मेहमानों का। तो आप बुला रहे हैं अभी नहीं, अभी हमें इनको देखना है। बचपन शहर पीछे हो जाए बाइक की एज हटा जहाँ भी हो बाकी से शहर खेलने बॉडी बिल्डर स्टेज पर पहुंच जाए बॉडी बिल्डर। बचपन शहर की गाड़ी इसी भी हो शहर से कर ले अपनी डीएल नंबर है 5T। अगर इसमें इस ग्रुप में कोई बॉडी बिल्डर अभी शेष हो तो वो स्टेज पर आ जाए भाई। पैंसठ से सत्तर कैटेगरी का कोई बात नहीं। तो फिलहाल भाई अभी तो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हम ऐसा प्रैक्टिस गेम खेलने आए थे। कंडीशनिंग आप ये देख लो भाई की बेटर है ये देखो। तो ऐसा प्रैक्टिस गेम था हमारा तो ऐसा कोई लोड लेने वाला मैं पता था हम ज़्यादा कुछ करना नहीं। जब आदमी गेनिंग पे चल रहा है तो करेगा क्या, पर फिर भी कंडीशनिंग मेंटेन कर ली एक हफ्ते में ठीक है। तो बस नेक्स्ट गेम के लिए मैंने कहा आपसे वादा कर रहा हूँ सबसे कुछ अलग ही बम फाड़ के दिखाऊंगा छः में तीन चार से महीने में मैं दिखाऊंगा यही लड़का होगा। और कार्ड देखो तो फिर मेरी जवान रही मैं ऑन वीडियो बात कर रहा हूँ। अगर कह दिया तो फिर अब करना है ठीक है। बाकी हमारी पूरी पलटन ठीक है। पहले एक पोज तुझे टी शर्ट उतार के भाई हमारा जो खेला नहीं मैम प्लेयर भी दिखा गया। चलो एक पोज दिखा भाई कोई नहीं दिखा दे साथ मारो मैम फिजिक का मार कर शायद ये खेलता है तो कुछ देख लो यार कंपैरिजन वो बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो ऑल द बेस्ट करो दोनों खेलेंगे नेक्स्ट गेम। और भाई को देख लो यार वेल्ड बनेगा भाई। यार भाइयों रात के 3 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं और गाड़ी में हो गया हमारी पंचर। हरिद्वार जाना है भाई मुझे बहुत गुस्सा तो सभी को आ रहा भाई। पेट्रोल पंप वाले भैया मिले उन्होंने यार हमने सोचा कि हवा निकली हुई है और हमने ट्राई भी करा हवा वगैरह भरवाने की हवा भरवाई पता लगा पंचर है। अब ये देख लो मार्केट का हाल आप लोग रात के 3 बजे हैं अब यहाँ से कैसे निकलें अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पंचर वंचर वाले यहाँ कोई दुकान अब तो समझ में नहीं आता। काम करो फिर या फिर बैंकटोली चलना पड़ेगा। बैंकटोली चल ले भैया भैया उसके अलावा कुछ चारा नहीं है ना। तो अगर नहीं तुम्हारा पेपर कब है हमारा कुछ नहीं यार फोन देगा तुम्हें 4 बजे फोन लगवाएगा। अब जहाँ वेन्यू था हमारा जहाँ पे वहीं जाते हैं दोबारा। अब बाकी तो सुबह होने के बाद ही पता लग सकता रात मिलेगी अबे रात मिल गई भाई नहीं भाई पेट्रोल पंप भी मिल गया आ रहा ना पेट्रोल पंप भी मिल गया पंचर वाला ही मिल गया ऊपर वाले ने सोचा था रात को निकल रहे 3 बजे किस्मत का साथ था पेट्रोल पंप भी मिल गया प्राण निकल गए थे अरे भैया हमारे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया पंचर वाले और इन्होंने दबा के चलते कर रखे भाई। एक और चीज़ है दो चीज़ें की गई दो पंचर हैं और दो पंचर हो रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे आप दो पंचर आप बोलना चाहेंगे सालो बच गए ना कुत्ता घसीटी होती रोड के किनारे सोचते सालो पड़ते मच्छरों के साथ रात काटते तुम यहाँ पर पेट्रोल पंप वाला गाड़ी में पेट्रोल पंप भी नहीं भाई पेट्रोल भी नहीं ये धक्के ही खाने थे ऊपर वाले के द्वारा लेके भी नहीं गए आज भी लेके भी नहीं गए और फिर भी हम कॉन्टैक्ट ले लिया। और टॉप 5 में पॉइजन टॉप 5 में सेलेक्ट टॉप 5 सिलेक्टेड हुआ था ऐसा कुछ नहीं था गेनिंग मोड में थे। चलो मिल गए भाई तो फाइनली हमारा ब्लॉग यहाँ खत्म होता है। अब ऊपर वाले ने जा तो हरिद्वार पहुँच जाए कल या परसों को हम ये ब्लॉग एडिट वगैरह करके कल अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगली बार जब नेक्स्ट टाइम भाई मैं कार दूंगा मैं आऊँगा कार से पैसा भी पैसे कैसे लाने मैं नहीं आऊँगा बाइक से रात को इतनी दूर में आप लोगों से भी कह रहा यार कभी इतनी दूर अगर गेम वेम खेलने आना हो ना तो कभी बाइक वगैरह का सीन यूज़ ना करो हो सके ना कार वार यूज़ करो भाई।
ताकि वो पंचर हो तो कहीं से ले जा भी नहीं सकते। अरे पंचर हो जाए बंद करके साले को सो तो जाओगे यार। अब यहाँ पंचर हो गया, यहाँ पंपा मिलता ना पेट्रोल पंप मिलता, क्या करते गाड़ी। भाई तू निखिल को बिठाइयो अपने पीछे, मैं भैया के पीछे बैठूंगा। भैया की बैग मोटी है, मैं उस पर सो सकता हूँ। सोने के लिए भाई तो चलो भाई, यूट्यूब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये लोग ये समाप्त होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करिए।